चंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय उसको बंद कर दो तद भक्ताय नमो नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग सबरे दर्शन करते करते अभी जहाँ पर आए हैं कहते श्री राधा माधव है और ये स्थान का नाम कनक वृंदावन है। कहते जो राधा माधव ठाकुर जी इसलिए कवि जयदेव गोस्वामी का सभी विग्रह है। कहते श्री कवि जयदेव गोस्वामी एक बहुत बड़ी वैष्णव हुए हैं और ऐसे तैसे वैष्णव नहीं बड़े रसिक वैष्णव हुए हैं। इनका जो ग्रंथ है कहते श्री गीत गोविंद है। अभी जिस भजन को हम लोग श्रवण कर रहे थे इसका नाम है मंगल गीत है। इसलिए गुरुदेव का ये भजन बहुत बहुत ही प्रिय था। अगर कहीं जन्माष्टमी हो राधाष्टमी हो कोई भी कोई तिथि होता था गुरुदेव जरूर ये भजन को गवाया करते थे गुरुदेव। और ये भजन का इतना महत्व है और जगन्नाथ जी का ये अत्यंत अत्यंत ये प्रिय भजन है। जगन्नाथ जी तभी सोते हैं जब ये भजन को सुनते हैं, तभी जगते हैं जब ये भजन को सुनते हैं, उसी कपड़े को धारण करते हैं जिस कपड़े में ये भजन लिखा हुआ हो, उसी माला को धारण करते हैं जिस माला में एक एक तुलसी पत्ते में एक एक ये जो श्लोक है श्लोक को लिखते हैं और जगन्नाथ जी इसी माला को ही जगन्नाथ जी धारण करते हैं इसी माला को। कि जगन्नाथ जी का इतना प्रिय भजन श्री मंगल गीत इतना प्रिय भजन है। और हमारे श्री जगन्नाथपुरी में कोई एक देवदासी थी, देवदासी उन्हें कहती है कहते हैं जो माताएं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करे और जगन्नाथ जी को ही अपना पति माने, जगन्नाथ ही हमारी पति है और जिंदगी भर ब्रह्मचारिणी बन करके रहे कहते उनको कहते हैं ये देवदासी। और ये जगन्नाथ जी की ये बड़े प्रिय है। कहते ये देवदासी एक समय बैगन तोड़ते समय ये भजन को गा रही थी और बैगन तोड़ रही थी और जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ कर के ही वहां पहुंच गए और ये भजन को सुनते सुनते इनकी पीछे 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 कर रहे थे और बैगन की कांटा में इनका शरीर में दाग आ गया, इनके सारे कपड़े भी फट गए। उसको बाद में जगन्नाथ जी आज चुपचाप आकर सो गए। सवेरे जब देखा जगन्नाथ जी के सारे कपड़े फटे हुए, सारे शरीर में कांटा की दाग है। पुजारियों को पता जगन्नाथ जी बड़े रसिक भक्त हैं और बीच बीच में बड़े मधुर मधुर लीला करते हैं, तब उन्होंने राजा को बुलाया, बोले महाराज देखो ये क्या है। और महाराज भी परम भक्त जगन्नाथ जी के, जब उन्होंने जगन्नाथ जी के चरण में लेट गए तब जगन्नाथ जी बोले कोई चिंता मत करो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एक कोई देवदासी ये कभी जयदेव गोस्वामी का मंगल गीत गाते समय
बैगन तोड़ रही थी, ये भजन मेरे को बड़ा प्यारा है। और मैंने सुनने के लिए वहां पहुंच गया और पीछे पीछे भ्रमण करते करते मेरे कपड़े फट गए, शरीर में क्रोच आ गया। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर राजा उड़ीसा में प्रचार किया, बोले देखो ये भजन को जहां था मत गवाया करो और जहां था मत गाया करो, वहीं पर ही गाओ जहां पर श्री जगन्नाथ जी नहीं तो राधा माधव हो, नहीं तो ठाकुर जी को कष्ट होता है। क्योंकि कहीं भी ये भजन हो ठाकुर जी मंदिर छोड़ छाड़ करके वहां पहुंच जाते हैं। अभी भी जगन्नाथपुरी में जो लड़कियां अब लोग उड़ीसा नृत्य देखे होंगे, इसी भजन के ऊपर में जगन्नाथ जी को सामने बड़ी सुंदर भजन, बड़े सुंदर नृत्य करती है, हैं? ये बड़े सुंदर नृत्य करती है। कभी ये जो गीत गोविंद ग्रंथ इतना प्रिय और उसमें इतने रसिक भजन है, उसमें है ना धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, कैसे श्याम सुंदर बड़े, कैसे राधा रानी के लिए बड़े सुंदर कैसे कुंज बनाए। आज राधा रानी कृष्ण बोले राधे तुम तो मेरे लिए कुंज बनाते हो, आज मैं तेरे लिए कुंज बनाऊंगा। इसलिए कृष्ण सुंदर कुंज बना करके बैठे हुए, राधा रानी आएंगे, लेकिन किसी कारण से राधा रानी को आने में देर हो गया, देर हो गया। बोले धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, इसलिए कैसे वहां पर बड़े सुंदर कैसे कृष्ण कभी राधा रानी के लिए कभी पतती पतत्र, अगर कहीं थोड़ी सी पत्ते की कोई खड़खड़ आवाज हो ना, कृष्ण सोचते राधा जी तो नहीं आ गई। कृष्ण कुंज से बाहर निकल करके आते हैं, राधा रानी की बाट देखती हैं, अभी तक राधा रानी क्यों नहीं आई, अभी तक राधा रानी क्यों नहीं आई। इतने में कृष्ण सखियों से पूछे, बोले क्या बात है आज राधा रानी आने में देर क्यों कर रही है। तो सखियों ने बोले लगता है किसी कारण से राधा रानी ज्यादा मान किए, राधा रानी ने तुम्हारे पर मान किए है। बोले उनका प्रसन्न कैसे करे, बोले उनका मंत्र जप करो। जैसे हम मंत्र जप करते हैं ना, मंत्र जप करने पर मंत्र का जो अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बोले राधा रानी का मंत्र जप करो। बोले मेरे को दो अभी सखियां राधा रानी का मंत्र दिया, अभी कृष्ण मंत्र जप करते तभी राधा रानी आ नहीं रहे। बोले क्यों नहीं आ रही है। बोले मंत्र तो जप कर रहे हो लेकिन बेमन से कर रहे हो, अभी मंत्र तुम्हारी जप सही नहीं हो रहा है। बोले क्या करना पड़ेगा। बोले देखो जब हम मंत्र जप करते हैं कभी कभी मन इधर उधर भटकता है, लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं ना, आप देखना मन कहीं भटकता नहीं। बोले कीर्तन करो। फिर कृष्ण सब सखियों के साथ में जब राधा रानी की बड़े सुंदर कीर्तन करती हैं, राधा वहीं पर देख रही थी श्याम सुंदर क्या करते हैं, फिर राधा रानी वहां प्रकट हो जाती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रहते थे, कभी जयदेव गोस्वामी का जो ये गीत गोविंद इसका जो भजन है इसको श्रवण करते थे, इसको श्रवण करते थे। मतलब उसमें इतना सुंदर राधा जी की जो भाव है, हाँ राधा रानी के जो सुंदर भाव है, अद्भुत चीज है, जिसको महाप्रभु स्वयं कभी जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद ग्रंथों को आस्वादन करते थे। कभी कभी जयदेव गोस्वामी का जो रचित है, हम कहते ना प्रलयो पयो धी जले धृत बान शिवेदम बिहित बहित्र च रीत्र मखेदम केशव धृत मीन शरीरा जय जगदी सहरे जय जगदी सहरे तब कर कमल बरे नाका माद्भूत श्रृंगम दलित हिरण्यका सिपुर तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदी सहरे हे जय जगदी सहरे। इसलिए कवि जयदेव कदी ये भजन को लिख करके कहते हैं, बोले केशव धृत नरहरि रूप,
कहते ये जितने सारे मेन गेट वाला यूं कह रहा है कि ना मैंने गेट वाला कहते सब के सब कृष्ण ने धारण किया। यहाँ पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। यहाँ पर कवि जयदेव गोस्वामी लिखते हैं जिसको सुन करके उसी समय एक राजा थे, राजा का नाम क्या था, कहते राजा थे जिसको सुन करके जब चंपक घाट में लिखे राजा इतने प्रसन्न हो गए, जिनकी कविता को सुनने के लिए राजा स्वयं छुप करके आते थे, इनकी भजन को सुनते थे। फिर उन्होंने उनके लिए बड़ी सुंदर कुटिया बनाने के लिए कोशिश की, बोला आप मेरे राज दरबार में रहो। लेकिन बाद में कवि जयदेव गोस्वामी फिर जगन्नाथ पुरी आ गए और जगन्नाथ पुरी आकर के कैसे फिर उनको पद्मा को साथ में शादी हुई। जब ये घर बना रहे थे स्वयं कृष्ण राधा माधव स्वयं आकर के उनको जो भूस होता है ना उनको दिया करते थे हैं। इतने में जब उन्होंने देखे बोले पत्नी को आकर बोले तुम क्या दे रहे थे, बोले नहीं, बोले फिर के कौन दे रहा था, देखा ठाकुर का शरीर पूरा काला पड़ा हुआ और जो भूस है ना जो शरीर ठाकुर का शरीर में लगा हुआ, मतलब जो घर बनाते थे ये स्वयं ठाकुर जी जा करके उनको मदद करते थे। इतने बड़े रसिक भक्त श्री कवि जयदेव गोस्वामी, बोले श्री कवि जयदेव गोस्वामी की, बोले राधा माधव जीव की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।